उसके बाद यहाँ पर लिखा कस्टमाइज एंड डाउनलोड QR कोड, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब ये डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे हमारे YouTube चैनल का एक QR कोड है। तो अपने सोशल मीडिया के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए आप जो है इस तरह का QR कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि YouTube चैनल के लिए, या देख सकते हैं कुछ इस तरह का भी YouTube चैनल का बना सकते हैं। ये देख सकते हैं कि अच्छा से एक लिफाफे के अंदर Instagram का आपको QR कोड दिख रहा होगा, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है, और ये भी देख सकते हैं कितना अच्छा बना हुआ है। अब आपको भी अगर इस तरह का QR कोड अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, खुद से ही अगर जनरेट करना है, तो इस वीडियो को देखना पड़ेगा पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल। तो अभी तक अगर आपने हमें सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है, तो जल्दी से फटाफट से स्कैन करिए और चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। चलिए आज के स्टूडियो को हम शुरू करते हैं। सो गाइज, QR कोड जनरेट करने के लिए, बनाने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है MeQR। फर्स्ट वेबसाइट ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। ये वेबसाइट जैसे ही आएगी, अब इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर कॉर्नर पे मार्क दिखेगा, इस मार्क पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे आपको मिल जाते हैं कि किसके लिए आप जो है यहाँ पर QR कोड जनरेट करना चाहते हैं। अभी अगर हमें YouTube चैनल के लिए QR कोड बनाना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए YouTube की लिंक के लिए ये पूछ रहा है, तो आपको अपने YouTube चैनल का जो लिंक रहता है, यहाँ पर देख सकते हैं ये लिंक है हमारा, ठीक है, और इसको हम कॉपी करेंगे। अब यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद पूछ रहा है नेम योर QR, आपका जो QR है उसका नाम क्या रहेगा, तो हम यहाँ से चैनल ही कॉपी कर लेते हैं। हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो हमारे चैनल का जो नाम है वो यहाँ पर रहेगा। अब उसके बाद ये कंटेंट कैटेगरी, किस कैटेगरी का आपका चैनल है, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग का है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा कस्टमाइज एंड डाउनलोड QR कोड, इस पर हम क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने क्लिक किया, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टमाइज QR कोड। अपने QR कोड को किसी भी तरह का हम बना सकते हैं, जैसे कि प्री मेड टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अभी तो ये ब्लैक एंड व्हाइट आपको दिख रहा होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर इसमें बनाना चाहें, तो इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसको हम सेलेक्ट करना चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस 45 लिखा, इस पर हम क्लिक करेंगे, तो ढेर सारे और यहाँ पर हमें प्री सेट टेम्पलेट्स मिल जाते हैं QR कोड जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं और थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है इंडोनेशिया इंडिपेंडेंस डे। तो मान लीजिए कि हमें यहाँ पर इस वाले लोगों को लेना है, जो कि ये देख सकते हैं बाज सा आपको दिख रहा होगा और देखने में बहुत ही क्यूटी सा लग रहा है, तो इसी को सेलेक्ट करके अप्लाई पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब आपको जो पसंद हो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें से नीचे आप देखेंगे और भी आपको मिल जाते हैं पैम्पलेट्स, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर नीचे आते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा वो फ्रेम बैकग्राउंड, जो ये फ्रेम है अगर इसका बैकग्राउंड हमें हटाना है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ट्रांसपेरेंट पर, तो उसके बाद ये हमारा देख सकते हैं कि PNG टाइप में बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट रखता हूँ और उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर हमें नाम लिखना है, तो एडिशनल टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अपने चैनल का हम नाम डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने डाल दिया ET सपोर्ट, और यहाँ से हम फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं जो हमें फॉन्ट चाहिए होगा। तो यहाँ पर हमने ET सपोर्ट लिखा, यहाँ से हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, जो हमारा फॉन्ट है कलर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ब्लैक कलर को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर दिया। अब उसके बॉडी पैटर्न, किस तरह से इसका बॉडी जो है हम चेंज करना चाहते हैं QR कोड का, ठीक है, उस तरह से यहाँ पर हम बना सकते हैं। जैसे हमने इतना ले लिया है यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए जो हमारा कलर है, उसके कलर को हम यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने ग्रेडियंट पर गए, देखिए, तो यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं, सिंगल कलर अगर हमें चाहिए, अब देखेंगे इस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगर ग्रेडियंट कलर यहाँ पर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा।
और उसके बाद जो है यहाँ पर जाऊँगा, ठीक है, मल्टी कलर बनाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं लेता हूँ डार्क, ओके, कुछ इतना लिया, ओके कर दिया। अब यहाँ से भी अगर हम कलर को थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो ले सकते हैं, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से बन चुका है। और उसके बाद लाइनर ग्रेडियंट अगर हम लेना चाहें तो ये देख सकते हैं, मतलब कि ये सेंटर में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका जो यहाँ पर क्वालिटी है वो देख लेना है, हाई या बेस्ट, मीडियम, स्मॉलेस्ट, ठीक है, तो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, हमने हाई पर रखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर इंटरनल आई जो ये दिख रहे हैं इनका शेप भी आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे, देखिए कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा, हमने यहाँ पर ये रख दिया है। और उसके बाद एक्सटर्नल आई पैटर्न, ठीक है, ये मतलब ये जो देख रहे हैं सर्कल सा, आप देखिए चेंज हो रहा है, ठीक है, इस तरह से आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं या ऐसे भी लगा सकते हैं, आप आपको जैसा सूटेबल लगे उस हिसाब से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, अभी जो हमारा यहाँ पर एक्सटर्नल आई पैटर्न है इसके कलर को अगर हमें चेंज करना है, मान लीजिए हमें ब्लैक करना है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर ब्लैक कर दिया, ओके, या रेड करना है हमें तो हम रेड कर देंगे, लीजिए रेड हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये जो बिंदी अंदर दिख रही इसके कलर को अगर हमें चेंज करना है तो हम इसको ब्लैक कर लेंगे, ठीक है, चलिए हमने ब्लैक कर दिया, ओके कर दिया। अभी लेकिन ये लोगो जो है हमारा इसके कलर को थोड़ा सा हम और भी लाइट करेंगे जिससे स्कैन हो जाए सही तरीके से, यहाँ पर हम ब्लैक ले लेते हैं, ओके, तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर कलर को कर दिया है। अब उसके बाद ध्यान से देखिए थोड़ा सा जैसे ही स्क्रॉल करके नीचे आएंगे यहाँ पर आप बैकग्राउंड कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं QR कोड में कलर भी लगा सकते हैं, व्हाइट कलर यहाँ पर अभी सेलेक्ट है, कोई और कलर अगर लगाएंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो अभी हम कलर इसको व्हाइट ही रखते हैं। अब उसके बाद नीचे जैसे ही आएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है लोगो, अब देखिए यहाँ पर YouTube का चैनल का लोगो हम लगा सकते हैं, अदरवाइज अपने YouTube का जो ब्रांड का लोगो होता है जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं इसका भी हम लोगो लगा सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड इमेज, इस पर हम क्लिक कर देंगे, अब यहाँ से अपनी इमेज को हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर जो भी इमेज है उसका साइज आप देख लीजिएगा, ठीक है, साइज अगर कम ज़्यादा रहेगा तो नहीं आएगा, तो साइज को आप थोड़ा सा सही कर लेना होगा। यहाँ से लोगो जो होता है उसके बैकग्राउंड को आप हटा सकते हैं, ठीक है, तो हमने बैकग्राउंड को रखा हुआ है, यहाँ पर बैकग्राउंड आपको दिख जाएगा। अब उसके बाद कम्प्लीटली हो चुका है, यहाँ पर फॉर्मेट आपको देख लेना है जिसमें भी आपको सेव करना है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर साइज जो है हम फुल कर लेते हैं, ठीक है, मतलब कि 2000x2000 हो चुका है। अब देखिए हमारा QR कोड कम्प्लीटली हो चुका है, तो यहाँ पर डाउनलोड QR कोड पर हम क्लिक कर देंगे, अब ये डाउनलोड हो चुका है, इसको हम ओपन करेंगे। सो अभी आप देख सकते हैं कि एकदम जबरदस्त जो है हमारा QR कोड जनरेट हो चुका है। इसी तरह से आप किसी भी सोशल मीडिया का अपना QR कोड बना सकते हैं फ्री में विदाउट कोई चार्जेज। तो दोस्तों एक बार चेक जरूर करिए हमारे इस QR कोड को कि हमारा चैनल जो है आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हमारा चैनल स्कैन करने पर आपको दिख जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।